तरफ वह मच नीडेड गेम फॉर एक्सो, अगर उनको भी यहां पर चिकन डिनर मिल जाए तो क्या ही बात होगी, बट प्लेयर एडवांटेज रखना एक्सो को देखना पड़ेगा किस तरीके से वो रख सकते हैं। नियो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, उनके हाथ में एक यूएमपी हमें नजर आ रही है, चार टीमें अभी भी यहां पर जीवित हमें नजर आ जरूर रही है। वहीं पर 258 डैमेज यहां पर नियो ने कर रखा, उनको लग रहा है कोई ना कोई प्लेयर कोई ना कोई टीम इंपैक्ट ऊपर की तरफ को हो सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट कैसे फाइट लेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट सवाल। ये बैटल ये 4v2v2v1 का बन जाता है जिसमें एक प्लेयर तो खैर सर्कल के बाहर है, तो अब गॉड लाइक के प्लेयर्स नो फिनिशेस को 13 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए जो दो प्लेयर हैं 7C के वो बहुत ज्यादा बाहर है सर्कल के। एक्सो का एक प्लेयर है जो कि सर्कल के बाहर है, दूसरा प्लेयर एज पे मौजूद है, मुझे नहीं लगता वो भी सर्कल के अंदर रहेंगे, थोड़ा सा अंदर जाने की उनको जरूरत पड़ने वाली। एक्सो 3 फिनिशर्स के साथ, स्काईलाइट को आप देखें फिनिशर्स निकाले नहीं, बट टॉप 5 में अपनी टीम को वो लेके आए, क्या वो टॉप 3 तक आ सकते हैं, क्या वो टोटल 10 प्लेसमेंट पॉइंट निकाल सकते हैं, वो हमें जरूर देखना पड़ेगा। बट मात्र 4 फर्स्ट एड बचे हुए, आखिरी संतुष्ट होना पड़ेगा 8 प्लेसमेंट पॉइंट से ही डेस्ट्रो को। और चलिए एक और फर्स्ट एड लगाया, मात्र 3 आखिरी बचेंगे, 303 मीटर दूर सर्कल के अंदर जाना है, पॉसिबल नहीं, बड़ा आप देखें नेक्स्ट सर्कल वापस गॉड लाइक के खेमे में जाता हुआ 7C काफी ज्यादा क्लोज है। क्लच गॉड की बात करें वहां पे अलादीन को डाउन किया, लास्ट प्लेयर प्रिंस अपनी टीम से सर्वाइव करेंगे, देखते हैं क्या ये क्लच सिचुएशन अपनी टीम के लिए बना सकते हैं, बट टोटल 10 वो क्लच नहीं हो सकता। जोनाथन ने वहां पे स्पॉट किया, इमॉर्टल वो भी डाउन हो चुके, नियो के द्वारा लास्ट प्लेयर इस बार एक्सो के सर्वाइव करेंगे, फिर वो भी डेस्ट्रो को देखें, बड़ा डेस्ट्रो को देखें, दूसरा पायदान अपनी टीम के लिए लगाते हुए 12 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट डेस्ट्रो निकालते हुए अपनी टीम के लिए। कुछ बोले ओशन? नहीं बोल रहे ओशन, उनका कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों टीम एलिमिनेट हो गए, डेस्ट्रो एक टाइम पे अभी भी हील बैटल कर रहे थे। देखिए एक टाइम पे एक टाइम